वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एम्ब्रॉयडर वर्ल्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजा से रेलेवेंट, जॉब से रेलेवेंट, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं अपनी वीडियोस के अंदर देती हूँ आपको ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजे और जॉब से और बहुत ज्यादा मोटिवेशन, ताकि आप आगे रेडी हो सके जॉब लेने के लिए किसी भी कंट्रीज में। ट्रैवलिंग करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगी तो आप क्या किसी भी कंट्रीज में सरवाइव कर लेंगे कि अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का, और उससे पहले जो है वीडियो को पूरा देखना है, रिक्वेस्ट है, ताकि कंप्लीट बात की आपको समझ आ सके और मेरे चैनल को शेयर कर दे अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो का। अब किस चीज का इंतजार है? तो जी हाँ, आपको किन पॉइंट की बेस पे कहीं किसी भी कंट्रीज में जॉब नहीं मिलती, हम इस वीडियो के अंदर वो वीकनेस शेयर करेंगे कि वो कौन सी वीकनेस होती हैं जो कि आपको जॉब नहीं दिलाती। ठीक है, आप समझते हैं कि जी आपकी सीवी परफेक्ट है, आप परफेक्ट है, आपकी स्किल परफेक्ट है, बट कंपनीज का अपना क्राइटेरिया होता है। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय हायर करने का हो सकता है कोई वीकनेस आपके अंदर हो। ठीक है, आपने ऑब्जर्व अब ये चीजें किस तरह से करनी है। पहला पॉइंट, आपको अपना रेज्यूम बहुत अच्छा बनाना है। किसी भी कंट्रीज में, दुबई में अप्लाई कर रहे हैं, दुबई में मैं ये नहीं कहती कि आपको अरेबिक में, इंग्लिश ही यहाँ पे जो है वो बोली जाती है, या आप हिंदी जबान में, आपको इंग्लिश जबान में ही रखना है अपना रेज्यूम, और रेज्यूम के साथ आपने एक कवर लेटर बहुत अच्छा सा बनाना है। ठीक है, आपने अपने आप को परफेक्ट कर लेना है अपने कंट्री से ट्रेवलिंग करने से पहले, के आपके पास आपका रेज्यूम, आपका कवर लेटर और हर एप्लीकेशन उसके आप ऊपर रजिस्टर्ड हो और आपकी प्रोफाइल जो है कस्टमाइज हो। किसी टाइम पे मैं आपको एक प्रोफाइल कस्टमाइज करना बताऊंगी कि एक प्रोफाइल, जॉब की प्रोफाइल को कस्टमाइज किस तरह से किया जाता है, वो एक डिफरेंट से मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, कस्टमाइज होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, इंडीड है, ठीक है, गल्फ न्यूज है और हलीज टाइम है एप्लीकेशन, ये मैंने आपको एक अनदर वीडियोस के अंदर बताई हुई हैं, आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, उन एप्लीकेशंस को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल रखना है और जो है उसके बाद आपने क्या उनको कस्टमाइज करवा देना है। उसके अंदर आपने सिर्फ, आप जब यूएई के अंदर इंटर हो जाओ तो आपके उसके अंदर सिर्फ यहाँ का नंबर अपडेट करना है, बाकी हर चीज उसके अंदर एवरीथिंग होनी चाहिए। हते कि आपकी जो रेज्यूम उसके अंदर ये भी मेंशन होना चाहिए कि आपका यहाँ पे वीजा स्टेटस क्या है, आप विजिटर है, आप अपने आजाद वीजे पे हैं या कौन सा आपका वीजा स्टेटस, आपकी सीवी के अंदर ये चीज भी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपकी जब कस्टमाइज प्रोफाइल होंगी लिंक्डइन पे, आपने एक प्रॉपर ऑफिशियल पिक्चर लगानी है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। ठीक है, उसका बैनर अच्छा सा बनाना है। ठीक है, और उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखनी है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, कोई भी ऐसा इंपैक्ट आपने नहीं छोड़ना जिससे कि ये लगे कि आपको प्रोफेशनल नहीं हो, अनप्रोफेशनल बिहेवियर आपके अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, कंपनी बहुत ज्यादा नोट करती है, स्पेशली लिंक्डइन पे जब आपका प्रोफाइल लिंक लिया जाता है तो आपकी प्रोफाइल को भी देखा जाता है कि उसके ऊपर आपने प्रोफाइल किस तरह क्रिएट किए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा रियल जो जॉब्स होती हैं वो लिंक्डइन पे मौजूद होती हैं। तो एक आप चाहे प्रोफेशनल किसी बंदे से लिखवा लें उसकी डिस्क्रिप्शन, या आप खुद भी लिख सकते हो, किस तरह से लिख सकते हो ये एक मैं अलग से वीडियो बताऊंगी, बनाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है जो अपनी रेज्यूम, कवर लेटर या इस तरह की जो जॉब से रेलिवेंट चीजें हैं वो किस तरह से आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, बट ये है कि उनको थोड़ा सा एडिट करने की जरूरत होगी, जब आपको वो एक कंटेंट क्रिएट करके दे देगा तो आप उसको एडिट खुद कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो है मेन इम्पैक्ट जो है आपकी टोटली आपके कीवर्ड्स होते हैं, अपने कीवर्ड्स को अपनी सीवी के अंदर लाजमी मेंशन करें। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट जॉब सर्च कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी सीवी के अंदर पॉइंट टू पॉइंट जो बात करनी है वो डिजिटल मार्केटिंग को ही लेके करनी है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया आ जाती है, एसईओ आ जाती है, ठीक है, इस तरह एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, इसके अंदर डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं वो मैं कि मुझे किन किन चीजों में महारत है,
उनमें कौन से टूल्स मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, या मैं ग्राफिक्स में अगर वीडियो एडिटिंग में मुझे महारत है तो किन टूल्स पे मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, उसी से रेलिवेंट चीज़ें आपने डालनी है। अगर आप फाइनेंस में हैं तो आपने फाइनेंस को करना है, ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग को भी डाल रहे हो, आप फाइनेंस को भी डाल रहे हो, तो ये बहुत गलत है। आपको कोई भी बंदा हायर नहीं करेगा, ठीक है। आपको अपने रेज्यूम के अंदर कोई एक चीज जो आपका परफेक्ट स्किल है उसको ही लेके चलना है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये कर देते हैं कि जब उनको जहन में होता है कि जब हमने बाहर जाकर ट्राई करना है तो चलो इसकी नहीं तो इसकी जॉब मिल जाएगी, इसकी नहीं तो इसकी, ये आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी। आपने पॉइंट टू पॉइंट एक ही चीज को जो है स्किल को लेके चलना है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, बिहेवियर आपका होता है, ठीक है, आपकी ड्रेसिंग होती है। आपने अगर किसी भी कंट्रीज में जाना है तो आपको अपना सेपरेट से ड्रेस लेना पड़ेगा जॉब के लिए, जो कि एज अ ऑफिशियल आप उसको यूज कर सको, ठीक है। उसमें आप पिंक शर्ट ले सकते हो, ऊपर ब्लैक कोट ले सकते हो, ठीक है। और आपको जो है ऑफिशियल ड्रेस, आप अगर आपको नहीं पता, स्पेशली गर्ल्स को नहीं पता, क्योंकि केबिन क्रू की जॉब्स के अंदर बहुत सारी ऑफिशियल ड्रेस कौन सा होता है, तो आप जो है देख सकती हैं, एक कैजुअल शूज आपको लेने हैं, ठीक है, या तो उसकी हील बहुत छोटी हो या बिल्कुल प्लेन जिस तरह होते हैं उस तरह से हो। इस तरह के बेहतर यही है कि आप उनको अगर क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, मेट्रो के थ्रू आप जो जाते हैं जॉब के लिए, तो आप अक्सर इस तरह से होता था, कुछ गर्ल्स बैग में ले जाती थी और वहां पे जब उन्होंने इंटरव्यू देना तो पहन लेती थी, देन फिर करके शूज वेयर कर लेती थी। ये चीजें मैंने खुद वहां से सीखी कि बाकी मेरे साथ जो गर्ल्स थी वो क्या कर रही हैं, ठीक है, वो इस तरह करती थी और लिटरली उनकी सिलेक्शन भी हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि इनको मैनर्स है। हमारे कंट्रीज में अगर ये जॉब के लिए अप्लाई करें तो इनको ड्रेसिंग का कम अज कम मैनर्स है, ठीक है। तो आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, उसमें आपने ड्रेसिंग का जो कलर कलेक्शन है वो इस तरह से रखना है, ठीक है। कोई आपने इयर रिंग्स वगैरह या इस किस्म की ज्वेलरी स्वाइप वॉच के आपने वेयर नहीं करनी है, ठीक है। आपने सिंपल तरीके से और ना अपने फेस पे बहुत ज्यादा मेकअप या इस किस्म की चीजें जो है करनी है लगानी है। आपने सिंपल से गेटअप में जाके एक डिसेंट लुक में आपने इंटरव्यू देना है, ठीक है। और इसके अलावा जो चीजें होती हैं, आपके बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, इस तरह से जो आपका एटीट्यूड है आपको इस तरह से प्रैक्टिस कर ली। बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं इंटरव्यू का, आपको एक अलग से स्किल दिया जाता है। बेसिकली ये एक अलग से स्किल है कि आपको इंटरव्यू किस तरह से देना है, ठीक है। ये चीजें आपको अगर आपने एक अच्छी जॉब लेनी है तो ये आपको चीजें अपने होम कंट्री से जो है सीख के आनी चाहिए और एक पूरी प्रिपेयर होके आना चाहिए। जब आप यहाँ पे पूरे प्रिपेयर होके आएंगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीजों का पता होगा। कुछ चीजें आपके आसपास रूममेट जो उनसी होती हैं या रूममेट होंगे वो आप उनसे पूछ लेते हो, ठीक है, लेकिन आपने 100% उनके ऊपर रिलाय नहीं करना। आपने खुद अपनी रिसर्च करके आना है। एक वीडियो डाली है कि आपको किन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपने कभी भी जॉब से रेलिवेंट एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर नहीं रखनी ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है। आपने उसको कस्टमाइज कर लेना है, एवरीथिंग ओके कर लेना है, देन जब आपने ट्रैवलिंग करनी है आपने उनको रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना। कोई भी अपने एजुकेशन से रेलिवेंट कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ नहीं रखना, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। जॉब लेने के लिए लाजमी होती है रेज्यूम, कवर लेटर और आपकी प्रेजेंटेशन। काम तो आपका बाद में होता है, वो तो काम तो आपको बाद में देखा जाता है, पर आपका बिहेवियर, आपके बैठने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल बहुत ज्यादा काउंट किया जाता है आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। तो ये चीजें जो मैं बताना चाहती थी, यकीनन आज को ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा, कमेंट्स में लाजमी बताना है, ठीक है। और रिसर्च लाजमी, जो लोग आना चाहते हैं वो रिसर्च लाजमी करें जॉब को लेके, ठीक है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करिए। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।